हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और देखिए, हम पहुंच गए हैं मेले में, जहाँ पे मैंने ही आते ही निशाना लगाया। और मैं अपने बेटे से पूछ रही थी कि कौन सा कलर पे बैलून पे लगाऊं निशाना, और ऑलमोस्ट मेरे सारे निशाने ही सही लग रहे थे, बस एक आधा ही ख़राब गया था, क्योंकि मुझे बंदों का बहुत शौक है। लेकिन निशान लगाना मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है। मैं स्कूल में भी दो बार कंपटीशन में जा चुकी थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें, ना नई नई चीज़ें एक्टिविटीज़ करनी मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोग सारे, मेरे घर में करीब मेरे सारे फूट रहे हैं, सारे निशाने लगा रही हूँ। वो तो कह रहे थे हाँ हाँ ठीक है तू लगा। तो देखिए, हम लोग खूब ना मज़े कर रहे थे। ये देखिए, ये मेरा बेटा कैसे इंजॉय कर रहा है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो कमेंट्स कीजिए। आशा आपको खूब पसंद आए होंगे। ये देखिए, मेरे हस्बैंड को कुछ नई तरीके की चीज़ें ही पसंद आती है, पता नहीं क्यों उनको ये चीज़ें अच्छी लगती है। ये हाइड्रोजन वाले बिस्किट होते हैं, जो बिल्कुल बर्फ़ जैसे होते हैं, धुएँ वाले, और ये इतना ठंडा निकलते हैं ना, मतलब कि दांत में ऐसा हो जाता है वो बर्फ़ से भी बर्फ़ ठंडा होता है। सब लोग देख रहे थे क्या करते हैं, और मेरे को बोले कि तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं खाना। और देख, ये देखिए, बिल्कुल इतना दांत में ठंडा लग रहा था, और कह रहे खाओ खाओ खाओ। मैंने ज़बरदस्ती फिर भी थोड़ा सा बाइट लिया, और मेरे दांत ने ठंडे हो गए। मैंने तो वापस ही रख दिया, मैंने कहा मेरे से नहीं खाया जा रहा, आप लोग ही खाओ। तो मेरे बेटे को टेस्ट करा रहे, देखो खा के देखो कि धुआं निकलेगा। वो तो धुआं निकालने के चक्कर में रहता है, सर्दी में भी धुआं ही निकालता रहता है, उसको अच्छा लगता है। तो उनको ना मेरे हस्बैंड ने ही खाया, ये उसे ही अच्छे लगता है। और ये देखो, यहाँ नाव कश्ती जो होती है वो बच्चों के लिए होती है, छोटे छोटे बच्चे के लिए। यहाँ पर इनको खूब इंजॉय करते हैं वो लोग बच्चे। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे। मैंने अपने बेटे को ही बोला कि तुम्हें करनी है, तो बेटा कह रहा नहीं मम्मी, मेरे को ये वाली नहीं करनी, मेरे को बड़ी वाली अच्छी लगती है। अभी कुछ जुकाम भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है आजकल, बहुत तबीयत ख़राब हो रखी है, पर फिर भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं। आप लोगों को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए, नई नई वीर झूले, और इतनी मतलब कि यहाँ पे ना दिवाली के बाद, दिवाली के आसपास बहुत अच्छा मेला लगता है। इतना बड़ा भी नहीं कह सकती, पर इतना छोटा भी नहीं कह सकते, पर इतना अच्छा मेला लगता है ना, बहुत अच्छा। ये बुराड़ी के आसपास है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूँगी, तो आइएगा ज़रूर इस मेले में, जो दिल्ली में रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए, पीछे से देखकर कितना अच्छा है झूला आ रहा है। मुझे ना ये झूला बड़ा अच्छा लगता है, बड़े वाला। और यहाँ पे पहुँच गए हम लोग शॉपिंग करने, थोड़ी सी बंदूक मेरे बेटे का बंदूक भी बहुत पसंद है, मतलब कि बचपन से लेकर आज तक उसके पास इतनी बंदूकें हो चुकी हैं ना, जब से छोटा सा बहुत शौक है उसे। पहले तो ठाठा बोलता था, अब तो सीधा बंदूक बोलता है। ये रिंग वाला गेम था, जिससे रिंग डालो और आप गिफ्ट इनाम ले जाओ। तो ये हम लोग खेला नहीं था, बट हम लोग देख रहे थे कि क्या निकलता है क्या नहीं। कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था इसमें, बस साबुन या चॉकलेट्स या फ्रूटी ही थी, कुछ ज़्यादा नहीं था। छोटे छोटे मेलों में खैर ऐसे ही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये जंपी जैंक वाला, इसको ये ना बहुत पसंद आया था, छोटे छोटे बच्चों के लिए तो अच्छा था। ये वाला झूला मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट मैं झूल नहीं रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा कोल्ड हो रखा था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं ज़्यादा मत झूलो, तो तबीयत ख़राब हो जाएगी ज़्यादा। तो बस दूर से ही वीडियो बना रही थी, तो हम लोग जा रहे थे तो देखा हमने जीप के खिलो झूले, हालांकि हर तरह का झूला था, हम ये नहीं कह सकते। देखिए, हम जाते वक्त झूले, कितना प्यारा व्यू लग रहा है, मैंने जाते जाते एक व्यूज़ बना दिया। बट मेरा बेटा कहाँ मानने वाला था, भागा। फिर उसने कहा कि मम्मी मेरे को उस शॉर्ट्स खेलने हैं जो आपने मुझे नहीं खेलने दिया था। अब वो खेलना आता नहीं है, बट फिर भी खेल रहा था। तो मैंने दूर से ही इतना व्यूज़ बनाया, इतना प्यारा प्यारा व्यू आ रहा था ना यहाँ पे झूले का सामने से, और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। ये देखिए, सब लोग आए हुए थे, छठ पूजा भी थी उस दिन, और बहुत वो कर रहे थे। फिर हम लोग ज़्यादातर एक झूले पर बैठे, ड्रैगन वाले झूले पर, जो कि बहुत प्यारा झूला था। पर मैंने अपने से बोला कि आप वीडियो बनाओ, क्योंकि मेरे हाथ से गिर जाएगा फ़ोन, क्योंकि बहुत इसमें ना झटके लग रहे थे, कि इधर उधर भाग रहा था ना, जैसे बहुत झटके लग रहे थे और इधर उधर हो रहे थे। तो मैंने कहा उनसे कि आप ही बनाओ वीडियो। देखिए, मतलब कि बहुत लोग आए हुए थे, बहुत लोग देखते भी हैं,
बहुत तो लोग इंजॉय भी करते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके छुट्टी वाले दिन, क्योंकि वीकेंड चल रहा है, बच्चों के छुट्टियाँ चल रही है, तो सब लोग लेके आए थे ये लोग। हम लोग झूला स्टार्ट हो गया, मेरे हस्बैंड झूले वाले को कह रहे कि भाई धीरे धीरे झूला चला नहीं तो हम लोग घिस जाएंगे। मतलब ये मजाक बहुत करते हैं, सीरियस टाइप के आदमी नहीं है मेरे हस्बैंड, हमेशा हंसी मजाक के मूड में ही रहते हैं। और देखिए मेरे को कितना जुकाम हो कोल्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा इस टाइम। मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, डाल रही हूँ, फिर भी मेरे को ना इतना अजीब सा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा। और ये देखिए कितना प्यारा।